भी मेरे पास में ही है। यहाँ पे देखिए 2000 रुपये एवरेज होटल्स में आ रहे हैं खाने के, और अगर लोकली खाते हो तो 300 रुपये पकड़ लो आप। और ये रहा गेम। तो 4200 मालावी क्वाचा का एक रैक है, इसमें 20 बोतल है। 5 किलो का ये राइस का पैकेट है। 6120 मालावी क्वाचा, मतलब 612 इंडियन रुपीस 5 किलो का। एवरेज स्पेंडिंग, और ये है लो बजट ट्रैवलर। ओके, सो इसमें मैंने क्या किया है कि सीरियल नंबर 1 आप देखोगे स्टे इन अ सिटी। हाय व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और मैं हूं ट्रैवल रिपोर्टर। मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए सबसे मज़ेदार और जानकारी से भरे हुए ट्रैवल वीडियोस अराउंड द वर्ल्ड। अभी मुझे 3 महीना हो चुका है मेरा यूट्यूब चैनल चालू करते हुए। ऑलरेडी मैंने नेपाल की कई सारे एपिसोड बनाए हुए हैं, नेपाल की सीरीज़ में, आप वो जाके चेक कर सकते हो। और ये जो एपिसोड है फिलहाल, ये 3रा एपिसोड है मलावी का। मैं मलावी में पिछले 1 हफ्ते से हूँ, और इस वीडियो में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ लोगों को जो कि आना चाहेंगे मलावी में। और इस वीडियो से उन्हें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना खर्चा हो सकता है और कितना बजट प्लान करके आना ज़रूरी है मलावी में। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं करेंसी। ओके, तो यहाँ की जो करेंसी है वो है मलावी क्वाचा। ओके, और मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कुछ करेंसी वहाँ पे प्रिपेयर करके रखी है ताकि आपको पता चले वो दिखती कैसी है। ओके, ये देखिए, ये है उनकी डिनोमिनेशंस 50, 100, 200, 2000, 5000। यहाँ पे कुछ डिनोमिनेशन मिसिंग है, जैसे 20 भी है, 20 से चालू होता है। ओके, और 100 है, 50 है, तो 50 यहाँ पे है। ओके, 20 मिसिंग है, 50 है। ओके, फिर 100 है, फिर 200 है, फिर 1000 की भी एक नोट है इनकी जो यहाँ पे मेरे पास नहीं है। 2000 और 5000, 5000 की सबसे बड़ी करेंसी है उनकी। सो इस तरीके से इनकी करेंसी दिखती है फिलहाल 2022 में। सो अगर एक्सचेंज रेट की बात करते हैं मलावी क्वाचा और इंडियन रुपीस में, सो अभी एट फिलहाल जो एक्सचेंज रेट चल रहा है वो है आज की तारीख में 10.57 था। सो मैं 10 से 11 के बीच में एट प्रेजेंट उसका एक्सचेंज रेट पकड़ता हूँ। तो अगर आप राउंड फिगर 10 भी पकड़ो, तो अगर आपके पास 2000 मलावी क्वाचा है तो अब इसको आप 200 रुपये कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, 200 से थोड़ा ऊपर अगर आप थोड़ा और प्रिसाइज जा रहे हो, लेकिन मैं आपको एक राउंड फिगर बता रहा हूँ कि आप उसको 200 रुपये कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, सो अभी बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे और बात करते हैं यहाँ पे स्टे का कॉस्ट क्या होगा। ओके, तो अगर रहने की बात करें तो मैं आपको फ़िलहाल दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ पे स्टे कर रहा हूँ मलावी में। फ़िलहाल मैं लिलोंगवे में हूँ, और लिलोंगवे में जो कामुजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से मैं 37 किलोमीटर्स दूर हूँ, क्योंकि मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ उसके पास हूँ। और आप पीछे देखो ये जो लिखा हुआ है कंट्री लॉज, यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे रूम कैसा है। ओके, अंदर चलते हैं। ये उसका एंट्रेंस और पार्किंग एरिया है। ओके, वहाँ पे अंदर रेस्टोरेंट, मैं वहाँ पे जाता हूँ बाद में। और यहाँ पे मेरे रूम तक जाता है और मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। इसकी जो कॉस्ट है इस कंट्री लॉज प्लेस की, इसकी कॉस्ट मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन मैं आपको फ़िलहाल रूम दिखा देता हूँ और यहाँ का एरिया दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एक नॉर्मल लॉन एरिया है। रूम तक जाते हैं अंदर। ऑलराइट, तो ये मेरा रूम है। एक बेडरूम, सिंगल बेडरूम रूम है। एयर कंडीशन है, फैन भी है, और लाइट ऑन कर दो, चली गई आई थिंक सो। एनीवेज, और यहाँ पे अंदर ये वॉशरूम है। ठीक है, अटैच्ड टॉयलेट एंड बाथरूम। in one single room. ऑलराइट, रूम हमने देख लिया कंट्री लॉज में कैसा है. इंडियन ओनर है इस प्लेस का और ये एयरपोर्ट से 37 किलोमीटर्स दूर है और एवरेज है ये. जो मैं आसपास गूगल पे मैंने देखा उन सब होटल्स में ये एवरेज होटल है प्राइम लोकेशन में, जो एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन होता है किसी भी सिटी में, उस लोकेशन का एवरेज होटल है. और यहाँ की प्राइस है पर नाइट 40,000 मलावी क्वाचा. तो अगर आप उसको इंडियन एक्सचेंज रेट से डिवाइड करते तो पर नाइट 4,000 इंडियन रुपीज़ आपको लगेंगे इस जगह स्टे करने के लिए. उसमें आपको बेड एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहेगा. ये तो मैं जो स्टे अभी रह रहा हूँ उसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन मैं आपको अगर बता दूँ यहाँ पे मैंने जो सर्च किया है आपको 9,000 मलावी क्वाचा के भी रूम मिलेंगे, मतलब 900 इंडियन रुपीज़. ओके, सो आपको मिनिमम बजट जो रखना है मलावी में आने के बाद स्टे के लिए, अगर आप मेन सिटी से बहुत दूर रहते हो, 50, 60, 80, 90, 100 किलोमीटर्स दूर रहते हो, तब आपको रूम मिलेंगे इन $12, दैट इज़ 900 और 1000 रुपीज़. अगर आप प्राइम लोकेशन में रहते हो तो आप 2,500 से 3,000 रुपये तो पकड़ ही लो पर नाइट में मलावी में रहने के. सो मैं आपको एवरेज बता दूँ, चीपेस्ट में आपको 1,000 से 1,200 रुपीज़ लगेंगे और मैक्सिमम तो आप जितना चाहो उतना जाओगे. सो एक बार ये देख लेते हैं होटल, आपको दिखा देता हूँ. ये रिसेप्शन, हेलो, ये एक बार एरिया है जहाँ पे आप बैठ सकते हो, टीवी है यहाँ पे और मैं यहाँ पे मतलब शाम को बैठ के आराम से आईपीएल भी देखता हूँ वहाँ पे. और अंदर बाहर है, सीटिंग एरिया है यहाँ पे और ये रहा बाहर. हेलो, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड. सो आप अगर इफ़ यू आर फाउंड ऑफ अल्कोहल सो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर. और फिर यहाँ पे एक रेस्टोरेंट एरिया है जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट या फिर आपका लंच कर सकते हो. इस कंट्री लॉज में मुझे कहीं पे स्विमिंग पूल या फिर जिम वाली एमिनिटीज़ नहीं मिली है इस प्राइस में. ओके, और मैं इस यहाँ पे मेरी कॉस्ट में नहीं स्टे कर रहा हूँ. मुझे मेरी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है मेरा स्टे, क्योंकि मैं कुछ काम से आया हूँ. सो अभी एकोमोडेशन की बात तो कर ली, आपको एक बेसिक आइडिया तो आ गया होगा कि आपका कितना खर्चा हो सकता है मलावी में आने के बाद. सो मेक श्योर आप वो बजट साथ में रखिए एकोमोडेशन के लिए. तो अभी हम बढ़ते हैं आगे, फूड के बारे में बात करते हैं. इंडियन फूड और फिर बेसिक जो कॉस्ट होगी फूड की. मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडियन रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, लेकिन तो भी मैं आपको एक बेसिक कॉस्ट बता दूंगा आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की क्या लगेगी मलावी में आने के बाद. ओके, सो लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट. ऑलराइट, सो अब ये रही मेरी बाइक और वो रहे जो मुझे ड्रॉप करने वाले. हाउ आर यू? गुड, एंड यू? से हाई टू माय पीपल इन द यूट्यूब. से हाई. हाई. ओके, लेट्स गो. हेलो. तो मैं जा रहा हूँ लंच के लिए और आपको प्राइसिंग भी बताऊँ. वो जो जगह है वो है चेन्नई स्पाइस. चेन्नई स्पाइस करके रेस्टोरेंट है और मैंने ये बाइक ली हुई है यहाँ पे अभी, तो बाइक के साथ जा रहा हूँ. लेट्स गो. और यहाँ पे जो नॉर्मल बाइक्स है वो आप ले सकते हो कहीं पे भी जाने के लिए. और सबसे बेस्ट ये है कि सारे जो मलावी के लोकल लोग हैं उनको इंग्लिश आती है, तो आप इंग्लिश में इजीली कम्युनिकेट करोगे. अभी जो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ मेरे जगह से वो ढाई किलोमीटर दूर है और मोस्टली 1000 क्वाचा या फिर उससे थोड़ा कम 700 600 तक मान जाते हैं लोकल लोग। सो 1000 क्वाचा में अगर बोलूँ बाइक का तो 100 रुपीज़ पकड़ लो बाइक का, एक जगह से 3 किलोमीटर जाने के लिए 100 रुपये तो पकड़ ही लो बाइक पे। ओके, मलावी आने के लिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ पे मैं आ चुका हूँ, चेन्नई स्पाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चेन्नई स्पाइस का डाइनिंग एरिया है, वहाँ पे रिसेप्शन है, यहाँ पे भी एक बड़ा सा एरिया है बैठने के लिए और स्टाफ ओनली। यहाँ पे अंदर रेस्टोरेंट है, पीछे वॉशरूम है। हेलो हेलो, यस, कैन आई टेक अ स्मॉल वीडियो? यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंडिया। ओके, बट आई केम फॉर सम वर्क हियर इन वन कंपनी, बट टुडे इज सैटरडे सो आई ऑल्सो हैव माय यूट्यूब चैनल, सो आई जस्ट गो अक्रॉस द रेस्टोरेंट्स प्लेसेस एंड जस्ट टेक द वीडियो, talk about it to the people, what is the price and everything you will find here. Okay. It's fine if I continue? No problem. No problem. If you want a menu, I will send it to you by WhatsApp. All right. You want to take a picture or you want to send to the WhatsApp, please? No, I want to have food here now. Okay. I'll just see the menu. I'll talk about the menu also and then no problem. I'll continue. No, you're the owner of the place? Yes, I am the owner. All right. Okay. Thank you. उनका मेन्यू भी मेरे पास में ही है, यहाँ पे देखिए। कुछ चीज़ें मैं आपको जैसे बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको नॉर्मल ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट के लिए आप क्या लोगे? आप लोगे एक चाय। ओके, सो चाय की प्राइस देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। ओके, नॉर्मल ब्लैक टी, ओके, इंडियन मसाला टी 1700 मलावी क्वाचा, ओके, 170 रुपीज़ इंडियन मसाला टी। ब्लैक कॉफ़ी 900, ब्लैक टी, जिंजर लेमन टी, ठीक है। सो टी के लिए सिर्फ आपको चाय पीना है तो बेसिकली आपको 200 रुपये रखने पड़ेंगे, ओके, इंडियन रुपीज़ 200 रुपीज़ जस्ट फॉर अ चाय। ओके, चाय के साथ मोस्टली आप लोग क्या करोगे? एक ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविच ले लोगे या फिर जो एग्स खाते हैं वो एग ऑमलेट ले लेंगे। ओके, सो अगर आपको सैंडविच खाना है सो दिस इज़ द प्राइस 3500 मलावी क्वाचा। वेज, नॉन वेज इज़ 4000। ओके, सो चाय और सैंडविच, चाय के 170 रुपये और सैंडविच के 350 रुपये हो गए आपके 400 और 520 रुपये का ब्रेकफास्ट। ओके, सो राउंड फिगर में आपको बताऊं तो आपको 600 रुपये रखने हैं ब्रेकफास्ट के लिए जब आप मलावी आओगे। मैं इंडियन रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूं फ़िलहाल, जो एक्सपेंसिव है नो एनी विच वेज। लोकल फूड की अगर बात करूं तो यहाँ पे कुछ लोकल फूड है जिसे सीमू, चिप्स या फिर फिश वगैरह जहाँ पे अवेलेबल है, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। लेकिन लोकल फूड के लिए आपको मिनिमम जो मैंने एक एक्सपीरियंस में जाना है 1500 क्वाचा तो लगेंगे 150 रुपीज़ तो लोकल फूड के लिए आपको ज़रूरी है जब आप मलावी आते हो। मैं लंच के लिए आया हूँ तो फ़िलहाल मैं लंच में कुछ तो ट्राई करता हूँ यहाँ पे। लेट्स डू इट। थैंक यू। थैंक यू। सो मेरी तमिल थाली यहाँ पे आ चुकी है। राइस है, दाल है, सांभर है और दो टाइप की राइस है, दही है, अचार है और एक स्वीट डिश है। सो दिस ओवरऑल कॉस्ट इज़ 750 रुपीज़ इन मलावी इन चेन्नई स्पाइस। सो अलग अलग रेस्टोरेंट में आपको अलग अलग प्राइजेस मिलेंगे। हो सकता है इंडियन थाली कहीं और किसी और प्राइस में है, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इस रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ फिलहाल। सो लेट मी कंटिन्यू ईटिंग। तो मेरा लंच कर लिया है मैंने और मैं बस मोबाइल पे कैलकुलेट कर रहा था कि कितना बजट मैं एक दिन के लिए खाने पे रखूँ मलावी में। तो ब्रेकफास्ट 600 रुपये हो रहे हैं, लंच 1000 रुपये हो रहे हैं और डिनर के भी 1000 रुपये मैंने रखे। सो टोटल 2600 रुपये हो रहा है। अगर कट भी करें तो आप 2000 रुपये दिन का खाने के पीछे रोको। ओके, अगर आप जिस होटल में रहते हैं वहाँ पे ब्रेकफास्ट आपको मिल रहा है तो लंच और डिनर के लिए तो आपको कुछ ना कुछ एडजस्ट करना होगा। अगर आप कुक नहीं कर रहे हो तो 2000 रुपये तो मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, मैं कुछ बना बुना के नहीं बोल रहा हूँ। मैं एट प्रेजेंट 2022 की सिचुएशन बता रहा हूँ आपको मलावी की। 2000 रुपये एवरेज होटल्स में आ रहे हैं खाने के, और अगर लोकली खाते हो तो 300 रुपये पकड़ लो आप, ठीक है। लोकली में आपको वो सब कुछ नहीं मिलेगा जो आपको पसंद है खाना। अभी मैं यहाँ से एक मॉल है वहाँ पे जाएंगे, गेम करके उसका नाम है, जो मैं गया था परसों वहाँ पे। तो उस मॉल में जाके नॉर्मल प्राइस चेक करेंगे, पानी की बोतल कितनी है, मैगी के पैकेट्स कितने हैं, नॉर्मल ग्रोसरी प्राइस कितने हैं, तो आपको और आइडिया आ जाएगा मलावी के बारे में। ऑलराइट, सो लेट्स गो। Game. Okay, let's go. चेन्नई स्पाइस से गेम सुपरमार्केट इतना दूर नहीं है, जस्ट 1.5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। तो जो जिस बाइक पे मैं आ रहा था मैंने उसको 500 मलावी क्वाचा दे दिया है, 50 रुपीस, और ये रहा गेम। तो 4200 मलावी क्वाचा का एक रैक है, इसमें 20 बोतल है, 500 ml की एक बोतल है। तो अगर उसे 4200 को डिवाइड भी करें 20 बॉटल से, जो 210 मलावी क्वाचा होता है, तो 21 रुपये की एक बॉटल पड़ रही है जो 500 ml की है। ये 2 लीटर का कुकिंग ऑयल है और ये है 7900 पर पीस, मतलब 790 रुपीज़ का 2 लीटर का कुकिंग ऑयल। ये 28 सेंटीमीटर का नॉन स्टिक फ्राइंग पैन है, ये वाला। प्राइस देखो 16,123 मलावी क्वाचा, 16,123 मतलब 1600 रुपये का ये देखिए, ये सनबीम डबल स्पाइरल हॉट प्लेट, ये कुकिंग इलेक्ट्रिकल कुकर है। दो कुकिंग प्लेट्स है इसमें। 24,001 मलावी क्वाचा मतलब 2400 रुपये का ये। 23 लीटर्स का मिनी ओवन है, 1,25,000 मतलब 12,500 रुपये का ये। कोई बेनेट रीड करके ब्रांड है, उसका राइस कुकर है। और इसमें आप बाकी की कुकिंग भी कर सकते हो, कई सारे ऑप्शंस है, फिश, बीन्स, पोरेज। इसकी प्राइस है 1,15,000 मलावी क्वाचा, मतलब ये 11,500 का है। इन सारे रेफ्रिजरेटर्स में सबसे कम प्राइस का मुझे ये दिख रहा है, हाइसेंस का है, 22 लीटर्स है मे बी, या फिर 222 लीटर्स है। हाँ, 222 लीटर्स का है, 4,50,000, मतलब 45,000 का ये रेफ्रिजरेटर है। ये वॉशिंग मशीन का सेक्शन है, कई सारे वॉशिंग मशीन्स है यहाँ पे। जो सबसे चीपेस्ट मुझे दिख रही है वो ये है, 3,39,135, 33,900 की ये वाली वॉशिंग मशीन है, डबल डेक वाली। ये शुगर है, 1 किलो का पैकेट है, 1,040 मलावी क्वाचा, मतलब 104 रुपये का। और वाइट शुगर 106 रुपये, 1,060 मलावी क्वाचा। केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स 1 kg 5,600, ये वाला 560 इंडियन रुपीस, 1 किलो कॉर्नफ्लेक्स। ये देखो, सुपर फायर राइस बाय ट्रस्ट फूड्स, 5 किलो का ये, 5 किलो का ये राइस का पैकेट है, 6,120 मलावी क्वाचा, मतलब 612 इंडियन रुपीस 5 किलो का। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 612 को, तो 122 रुपया किलो का राइस है, 122 रुपये किलो। और एक ब्रांड है यहाँ पे, किलोम्बेरो राइस, ये थोड़ा महंगा है, 6,440, 644 इंडियन रुपीस में पड़ेगा ये किलोम्बेरो राइस। जो लाइफबॉय सोप है 175 ग्राम्स का ये वाला, 1,086 मलावी क्वाचा है, मतलब 108 रुपये। नॉर्मली प्लास्टिक की चेयर है, 31,900, मतलब ये है 3,190 की एक पीस। फिर ये वाला चेयर देखो यहाँ पे, 24,900, 2,490 रुपीस की। और ये वाली देखो, सारे प्लास्टिक के ही है, 36,900, 3,690 रुपीज़ की, सारे 3,000 के ऊपर के है। ये बीच वाला 2,490 रुपीज़ का है, एक चेयर। इंडिया से प्राइसिंग कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज मे बी यहाँ पे मैन्युफैक्चरर बहुत कम है, मोस्टली है ही नहीं इन सारी चीज़ों के, और ये सारा चीज़ इंपोर्ट होता है बाहर से। तो जितने भी ब्रांड मैंने देख रहा हूँ ना यहाँ पे, वो सब इम्पोर्टेड है। मे बी ये ब्रांड इंडिया में अवेलेबल भी नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया में तो अपने कई सारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, लेकिन प्राइस वाइज बहुत महंगे है। डेयरी मिल्क रम एंड रेजिन 1,400 मलावी क्वाचा, तो 140 रुपीज़ की एक डेयरी मिल्क। सैमसंग की 40 इंच फुल HD LED 4,79,000, 47,900 रुपीज़ की 40 इंच। नो डाउट ये LCDs महंगे लग रहे हैं मुझे, पता नहीं इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से, लेकिन इंडिया में 40 इंच की जो मैंने घर पे ली है नोकिया की टीवी, वो 24,000 रुपीज़ की है। और यहाँ पे सैमसंग की 47,000 की, आई थिंक 40 इंच की इससे कम में पड़ जाएगी इंडिया में। ऑलराइट, गेम सुपरमार्केट के बाहर तो आ चुका हूँ मैं, प्राइजेस तो आप लोगों ने देख ली होगी। लाइक सिटी सेंटर जैसा है पूरा, पार्किंग वहाँ पे एक चीपीकू प्लस करके भी और एक मार्केट है। ऑलराइट, सो फिर अभी मैं यहाँ से सोच रहा हूँ वापस कंट्री लॉज चला जाऊँ बाइक लेके जहाँ से मैं आया था। ओके ओके, हाँ मेरा यू आर इनटू इट, पीपल सी यू, पीपल विल सी यू। ऑलराइट, तो रूम पे आ चुका हूँ मैं वापस, और अभी बात करेंगे मलावी में जो मोबाइल नेटवर्क्स है उसके बारे में। यहाँ पे दो मोबाइल नेटवर्क्स है, एक है एयरटेल और दूसरा है TNM, टेलीकॉम KOM, TLEKOM, टेलीकॉम नेटवर्क्स मलावी। एक है एयरटेल मलावी और टेलीकॉम नेटवर्क्स मलावी। दोनों के पैकेजेस मैंने देखे। एयरटेल के मैं आपको बता देता हूँ, TNM का मैंने मेरे शीट में प्रिपेयर नहीं किया है, लेकिन एयरटेल का जो मंथली डेटा पैकेज है हाईएस्ट 30 डेज का 40 GB का, वो है 40,000 मलावी क्वाचा, मतलब मंथली आपको 4,000 इंडियन रुपीस लगेंगे उस पैकेज के लिए, और पर डे हमको पड़ेगा वो है 133.3 इंडियन रुपीस, 1,333 मलावी क्वाचा, 133.3 इंडियन रुपीस आपको पर डे के पड़ेंगे मोबाइल डेटा के लिए 40 GB होल मंथ के लिए एयरटेल में। सो मैंने क्या किया है, अभी मैंने एक छोटी सी एक्सेल प्रिपेयर की है जिसमें मैंने दो कैटेगरी बनाई है, एक है एवरेज स्पेंडिंग और एक है लो बजट ट्रैवलर। ओके, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये है एवरेज स्पेंडिंग और ये है लो बजट ट्रैवलर। ओके, सो इसमें मैंने क्या किया है कि सीरियल नंबर 1 आप देखोगे स्टे इन अ सिटी इन एवरेज होटल। ओके, सिटी के आसपास आपको स्टे करना है, तो आपको एवरेज जो होटल है जहाँ पे मैं रुका हूँ, तो वहाँ पे 40,000 मलावी क्वाचा लगेंगे, जो कि इंडियन रुपीस में आपको 4,000 इंडियन रुपीस है और यूएस डॉलर्स में 53। फिर आते हैं आफ्टरनून लंच में। आपको देखो, आप अगर एवरेज होटल में रह रहे हो तो आपको ब्रेकफास्ट उसमें मिल जाएगा, बेड एंड ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, तो आपको आपका लंच मैनेज करना है। तो 8,000 मलावी क्वाचा आप रोको एवरेज, ओके, लंच के लिए, जो आपकी पसंद का लंच आप खा सकते हो जहाँ चाहिए वहाँ पे, जिस भी रेस्टोरेंट में जाके आपको कुछ खाना है वहाँ पे खा सकते हो। तो उसमें आपको 800 इंडियन रुपीस लगेंगे और यूएस डॉलर्स में 10.6 यूएस डॉलर्स है। डिनर की भी मैंने सेम प्राइस रखी है। और फिर जो मंथली डेटा बंडल है, ओके, एयरटेल का 40 GB एयरटेल इज 40,000, जो कि मैंने आपको अभी बताया था ये 1,333 मलावी क्वाचा में जाएगा, 133.3 इंडियन INR में होगा और 1.7 USD है। और अगर लोकल वॉइस बंडल, आपको डेटा के साथ वॉइस बंडल चाहिए 300 मिनट्स का, तो 3,500 मलावी क्वाचा है, जो कि 350 इंडियन रुपीज़ है। आप अगर इसको चाहिए तो इसे स्किप कर सकते हो, इतने पार्ट को 350 रुपये कम हो जाएंगे। तो पर डे की जो कॉस्ट है वो है 60,833 मलावी क्वाचा, और INR में आप देखो तो 6,083 रुपीज़ एंड US डॉलर्स में 81 US डॉलर। ये स्टैंडर्ड एवरेज स्पेंडिंग कॉस्ट है एक दिन की मलावी में। ओके, दिस इज रियली सीरियस, दिस इज वन डे कॉस्ट। फिर अगर आप लो बजट ट्रैवलर जाते हो, एकदम लो बजट मतलब भाई फुल लो बजट है, जिसमें स्टे फार फ्रॉम सोसाइटी इन लो बजट, जहाँ पे आपको 10,000 मलावी क्वाचा लगेंगे, 1,000 इंडियन रुपीस लगेंगे। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अगर उसमें इंक्लूडेड नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। और इस ब्रेकफास्ट में मैंने जो लोकल स्ट्रीट पे जो ब्रेकफास्ट होता है ना वो कंसिडर किया है। इसमें आप किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाके, जो भी रास्ते पे आपको मिल रहा है वो आपको खाना है। तो वो है 1,000, लंच है 1,500 और डिनर है 2,000 मलावी क्वाचा। सो वैसे ही 100, 150, 250। ओके, और फिर मंथली डेटा बंडल मैंने वो सेम रखा है ऊपर जैसा, क्योंकि इसमें तो कुछ लो बजट ट्रैवलर का पैकेज नहीं आता। तो अभी लोएस्ट से लोएस्ट भी जाते हो ना तो 19,333 मलावी क्वाचा आपको लगेंगे, और इंडियन रुपीज़ में 1,933, मतलब राउंड फिगर 2,000 रुपये तो पकड़ लो, 2,000 इंडियन रुपीज़ फॉर अ लो बजट ट्रैवलर ट्रैवलिंग टू मलावी। सो ये जो मैंने समरी बनाई हुई है, ये मैंने कुछ समझ के बाहर जाके, आपने मुझे देखा मैं रेस्टोरेंट भी गया प्रैक्टिकली, वहाँ पे आपको मेन्यू भी दिखाया, जिस होटल में अभी रुक रहा हूँ उसकी भी प्राइसिंग बताई, और चीप में भी जो अवेलेबल है वो भी प्राइसिंग आपको बताई जो सिटी से दूर होंगे। और आपको मोबाइल डेटा के बारे में भी बताया कि यहाँ पे डेटा की कॉस्टिंग क्या है, वॉइस कॉल्स की कॉस्टिंग क्या है मोबाइल नेटवर्क्स में। और इसके ऊपर मैंने अगर रेंट भी आपको लेना है, हाउस रेंट पे अगर लेना है मलावी में, अगर आप होटल में नहीं स्टे करते, हाउस रेंट लेना है आपको पूरे मंथ के लिए, तो आपको जो एवरेज कॉस्टिंग है यहाँ पे घर के रेंट की वो है 18,000 इंडियन रुपीज़ से लेके 50,000 इंडियन रुपीज़, मतलब 250 US डॉलर से 650 US डॉलर तक की कॉस्टिंग है यहाँ पे। तो 18,000 को देखोगे तो वो सिटी के बाहर होगा, प्राइम लोकेशन के बाहर होगा, कहीं दूर होगा। ओके, और जो प्राइम लोकेशन के अंदर है आसपास सिटी के, वो आपको ऑन एन एवरेज 30,000 के ऊपर ही मिलेंगे, 30, 40, 50 तक मिलेंगे फर्निश्ड अपार्टमेंट्स। ओके, जैसे आपकी कॉस्टिंग है वैसे आप जा सकते हो ऊपर। सो एज एन ओवरऑल मैंने आपको एक समरी बता दी है। आपको क्विकली बता दूँ, एवरेज स्पेंडिंग होटल में रहना, एवरेज होटल में रहना, लंच प्रॉपर रेस्टोरेंट में करना, ब्रेकफास्ट लंच करना, मोबाइल का डेटा यूज़ करना, आपको 6,000 रुपये इंडियन रुपीज़ एक दिन के लिए मलावी में चाहिए। और आपको आप लोवेस्ट बजट ट्रैवलर हो, एकदम नॉर्मल होटल में रहना चाहते हो, किसी काम के लिए नहीं आ रहे हो आप, आपको सिर्फ ट्रैवल करना है, यहाँ पे लोकली रहना है वगैरह वगैरह सब कुछ करना है, तो भी आपको 2,000 रुपये पर डे लगेंगे। ओके, सो ये थी मेरी एक छोटी सी ट्रैवल रिपोर्ट मलावी के बारे में, उसकी पर डे कॉस्टिंग के बारे में। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल की सारी बाकी वीडियोस को भी देखिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।